एवरीवन, वी आर बैक विथ लेक्चर टू फॉर क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज चैप्टर 3 स्टेट गवर्नमेंट. इन द प्रीवियस क्लास वी रेड अबाउट द लेवल ऑफ गवर्नेंस एंड द फॉर्मिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द कंसेप्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू टॉपिक. Today, in fact, we are going to continue that legislative assembly part. Before starting, I asked a simple question in the previous lecture from you all, that who is the MLA of Purnia? I hope everybody knows that. So, and the answer is, the MLA of Purnia is Vijay Khemka. Okay? Now let's start from this part. Okay? अब देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक होते हैं रूलिंग पार्टी और एक होता है ऑपोजिशन. ठीक है, तो रूलिंग पार्टी कौन सी पार्टी है जो जीतकर इलेक्शन पावर में आती है? ओके, यही बात लिखी हुई, पॉलिटिकल पार्टी हु अटेन्स मेजॉरिटी एंड विन द इलेक्शन. ऑपोजिशन क्या होता है? वो पार्टी जो कि इलेक्शन नहीं जीत पाती है क्योंकि उनको मेजॉरिटी नहीं मिलता है. जैसे कि मान लीजिए बिहार में 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो आपको मेजॉरिटी लाने के लिए 51 सीट्स चाहिए. ठीक है, अब मान लीजिए कि बिहार में 3 पार्टी हैं, एक्स, वाई और जेड. इलेक्शन हुआ, एक्स जीता 57 सीट्स, Y जीता 33 सीट्स और Z ने जीता 10 सीट्स. ठीक है, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, X, Y और Z. X ने 57 सीट्स जीते, Y ने 33 सीट्स जीता और Z ने 10 सीट्स जीता. तो सिंस X के पास 51 सीट से ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट मेजॉरिटी मिल चुकी है उसको. सो X विल डायरेक्टली मेक द गवर्नमेंट और एक्स जो है जीतकर मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है तो एक्स विल बी द रूलिंग पार्टी. वाई और जेड ने सीट्स जीते ज़रूर हैं लेकिन उनके पास इतने सीट्स नहीं हैं कि वो गवर्नमेंट बना सके. ठीक है, तो जिस कारण से वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे ज़रूर लेकिन गवर्नमेंट उनकी नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट के बनाने के लिए उनको एटलीस्ट 51 सीट्स चाहिए थे जो कि उनके पास नहीं है, जो कि एक्स के पास है. ठीक है, तो डैट इज़ वाई एक्स विल बिकम द रूलिंग पार्टी एंड वाई एंड जेड विल बिकम द ऑपोजिशन. दैट इज ऑपोजिशन आर द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स हु आर MLAs बट नॉट पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी. तो वाई और जेड एक्स के पार्ट नहीं है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं. ठीक है, तो वाई और जेड के भी जो लोग हैं वो भी MLA हैं लेकिन वो रूलिंग पार्टी में नहीं है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी. अब थोड़ा सा मैं आपको कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझा दूं. जैसे कि मान लीजिए कि X के पास अगर 40 सीट्स होता, Y के पास 30 सीट्स होता और Z के पास भी 30 सीट्स होता, तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स ना हो, जैसे कि मेजॉरिटी सीट्स कितने होने थे 51, लेकिन सीट्स कितने हैं, किसी के पास भी 51 सीट्स नहीं है, तो लेकिन गवर्नमेंट तो बनानी है, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट बनेगी जब एक्स और वाई हाथ मिला लेंगे, या तो एक्स और वाई अगर हाथ मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 70 सीट्स, मतलब 51 से ज़्यादा है. वाई और जेड अगर हाथ मिला लेंगे तो कितना सीट्स हो जाएगा 60 सीट्स. ठीक है, और X और Z अगर हाथ मिला लेंगे तो फिर से 70 सीट्स हो जाएगा. तो अब इन लोगों को आज एक दूसरे के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और वैसी गवर्नमेंट जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. जैसे कि अभी आपके बिहार में भी कोलिशन गवर्नमेंट है क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास इतने सीट्स नहीं हैं कि वो अपने आप मेजॉरिटी पा सकें.
तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का सपोर्ट लिया और फिर उन्होंने नंबर ऑफ मेजॉरिटी सीट्स पूरे किए और उन्होंने मेजॉरिटी अटेंड करी, फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो बिहार में भी अभी एक तरीके का कोलिशन गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो यह हो गया आपको रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का कंसेप्ट। तो रूलिंग पार्टी आपका बिहार में कौन है? नीतीश कुमार की पार्टी, ठीक है। और अपोजिशन कौन है? तेजस्वी यादव की पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक। और आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए तो आपकी रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी लेड, नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट। और अपोजिशन कौन सी है? अपोजिशन आपकी हो गई कांग्रेस, एनसीपी एट्सेट्रा, ठीक है। नौ, अब होता क्या है कि जब इलेक्शन हो जाता है तो गवर्नर इनवाइट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो इनवाइट कर सकता है कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी बना पाए। फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। मिनिस्टर में जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और ये जो आपके जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स के जो टीम होती है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट लॉज। तो ये जो हमारे हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं वो हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे के आते हैं, जैसे कि हमारे IAS IPS वगैरह, खास करके IAS IPS, ये सब होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम शॉर्ट में MLA कहते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को शॉर्ट में MLC कहते हैं। तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितना है MLA बनने के लिए? कम से कम वो आदमी को 25 साल होना ज़रूरी है, ठीक है। MLC बनने के लिए कम से कम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और MLA के इलेक्शन में लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, MLC के इलेक्शन में लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, ठीक है। MLC के इलेक्शन में वोट लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसी अकॉर्डिंग इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं और कुछ लोगों को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। MLA का टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। MLC का टर्म कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर। सो वॉट आर द फंक्शंस? द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड टू मेक लॉज ऑन ऑल एरियाज स्पेसिफिक ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, देखिए तीन तरीके का लिस्ट होता है, एक होता है आपको यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कंक्यूरेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे स्टेट कानून बना सकती है और यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और कंक्यूरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किस पे कानून बनाएगी? जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता होगा और जो कि स्टेट से रिलेटेड हो, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, स्टेट पुलिस, प्रिजंस एट्सेट्रा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कंक्यूरेंट लिस्ट में आते हैं, तो आपको मैंने बताया कि कंक्यूरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एडुकेशन। एडुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, ठीक है। ऑल डिस्कशन, डिबेट्स, सजेशंस रिगार्डिंग द स्टेट आर कैरिड आउट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय इट्स इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशंस होता है वेरियस टॉपिक्स पे, उसके बाद डिसीजंस लिए जाती हैं और नए कानून बनाए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर स्टेट, ओके। नाउ द थर्ड वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली इज द वॉइस ऑफ पीपल एंड इट्स ड्यूटी ऑफ MLA टू टेक देयर वॉइस टू द स्टेट लेजिस्लेचर दैट नीड्स अटेंशन। MLA को इलेक्ट कौन करता है? जनता।
ठीक है, तो ये एमएलए की ड्यूटी है कि वो जनता के वॉइस को, जनता की मांग को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुंचाए, और जिस मांग को अटेंशन की ज़रूरत है उस मांग पे अटेंशन दी जाए। ठीक है, इस तरीके से फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ख़त्म होता है। न्यू चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस एनी टाइम। और इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।